हिंदुस्तान बन गया दुनिया का पहला मुल्क जो साउथ पोल पे लैंड किया, क्या कहेंगे हिंदुस्तान की इस कामयाबी पे? कुछ भी नहीं। क्यों भाई? वो अपने लिए पहुंचा, हमारे लिए तो नहीं पहुंचा ना। चांद पे पहुंच जाने से मतलब कोई ऐसा काम करने से मुझे मेरी जात को, चाहे बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए, जिसको हम देखते हैं कि बर्बरियत है, जालिम है, सारा कुछ हम देख रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है। अमेरिका साहब ने हम पे लगाई हैं सेक्शंस कि आप उनसे कोई तजारत नहीं कर सकते। पूरा यूरोप उनसे तेल ले रहा है, इंडिया उससे तेल ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते भाई? सवाल बनता है। पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। भारत को सबसे पहले इस बात में मुबारक हो, वो फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड किया। इससे पहले जो कंट्रीज गए हैं वो नॉर्थ पोल पे लैंड किए थे और इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सब। दोस्तों आप सभी को पता, भारत का चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। लेकिन दोस्तों पड़ोसी पाकिस्तान, आप सभी को पता होगा, भारत की किसी भी दोस्तों अचीवमेंट यानी कामयाबी से कभी भी खुश नहीं होता। इसी बात से दोस्तों पाकिस्तानियों से इस बात से पूछा जाता है कि भारत की इसी अचीवमेंट में आप क्या बोलोगे। ये दोस्तों कुछ जाहिर वहाँ पर पाकिस्तानी बोलते हैं कि चाँद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं। इन जाहिलों को यही नहीं पता कि इनकी चाँद पर एक से जाने में इनकी पूरी हस्ती मिट सकती है, पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी घट सकती। चलो दोस्तों इन जाहिलों को एक्शन देखते हैं। इसरो ने जो है चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ सक्सेसफुली लॉन्च करके साउथ पोल पे पहुंचा दिया और हिंदुस्तान बन गया दुनिया का पहला मुल्क जो साउथ पोल पे लैंड किया, क्या कहेंगे हिंदुस्तान की इस कामयाबी पे? कुछ भी नहीं। क्यों भाई? वो अपने लिए पहुंचा, हमारे लिए तो नहीं पहुंचा ना। सर उनका कहना है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, हम पूरी इंसानियत के लिए काम करते हैं। भाई इंसानियत का लफ्ज उनके मुंह से अच्छा नहीं लगता। क्यों सर इतनी नफरत? वो लोग तो पूरी दुनिया के लिए काम करना चाहते हैं। अच्छा आप पहले ही मुझे ये बताएं कि ये आप इसको नफरत में क्यों लेते हैं? अब देखें मेरा आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैं आपसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहता, तो मैं आपको कहूँगा आप कुछ भी करें सो व्हाट, मुझे क्या इससे फर्क पड़ता है। तो मुझे आपके मतलब चांद पे पहुंच जाने से मतलब कोई ऐसा काम करने से मुझे मेरी जात को, हाँ या पाकिस्तान को फर्क पड़ता है, तो हम मतलब उसके ऊपर आवाज उठाएंगे। इंडिया जो है वो पहला मुल्क बना है जिसने चांद के साउथ पोल पर लैंड किया। आज तक कोई भी कंट्री चांद के साउथ पोल में नहीं जा सकी। बड़ी अच्छी बात है जी, हमसाया हमारे तरक्की कर रहे हैं और अच्छे हमसाया होने का कि यही है कि अगर आपका हमसाया तरक्की कर रहा हो तो उसे हसद नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप भी वो सरकमस्टांसिस क्रिएट करें अपने लिए जो दूसरे तरक्की कर रहे हैं, तो आप भी वो तरक्की को अवेल करें, उनसे सीखें। कोई बुराई नहीं होती किसी भी अच्छे काम को अडॉप्ट करने में, सीखने में। तो मेरा ख्याल है कि आज वो गए हैं, कल हमारा भी बहुत बड़ा दिन था। पहला ऐसा ऑपरेशन था कि 2,000 फुट बुलंदी पे जो है 8 इंसान जो हैं लटक रहे थे और उनको बचाया गया, और मैं समझता हूँ 25 करोड़ लोग भी जो हैं वो लटके हुए हैं चेयर लिफ्ट के बगैर, उनको भी बचाया जाना चाहिए। बाकी इंडिया के लिए अच्छा दिन है, पूरी दुनिया के लिए अच्छा दिन है कि बिलाखिर दुनिया आगे जा रही है, जिद्दत जो है वो मजीद आ रही है दुनिया में, और उससे भी जो है ना कुछ अच्छा सीखने में मिलेगा। वो कहते हैं हमारा दुश्मन मुल्क है, हमारे कॉन्ट्रोवर्सीज उनके साथ चलती हैं, कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, इन चीज़ों को मुद्दे बना के हम उनसे नफरत करते हैं और नफरत अंगेज अल्फाज फैलाते हैं अपने मुल्कों में। आज जैसे कि आपने कहा कि दुश्मन के बच्चे चांद पर पहुँच गए, हम ज़मीन पर रेंग रहे हैं। देखिए बात वही सीधी सी बात है कि यहाँ पे इल्म की बात होनी चाहिए, तालीम की बात होनी चाहिए, एडवांसमेंट की बात होनी चाहिए, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अभी ये आपने अवार्ड दिए हैं, ये 233 के करीब आपने अवार्ड दिए हैं, उसमें कितने साइंटिस्ट थे, कितने टीचर्स थे, उसमें कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ डेवलप किया, जिन्होंने कुछ प्रमोट किया, जिन्होंने कुछ अपने माशरे के लिए बेहतर करने की कोशिश की, एक्ट्रेसेस और एक्टर्स हैं, एक्टर हैं उसमें। तो अगर हमने यही प्रोड्यूस करना है तो फिर ठीक है जी, जिंदाबाद। पता है हमारा हमसाया मुल्क भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंच गया है। भारत को सबसे पहले इस बात में मुबारक हो, वो फर्स्ट कंट्री है जो साउथ पोल पे लैंड किया। इससे पहले जो कंट्रीज गए हैं वो नॉर्थ पोल पे लैंड किए थे और इनकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि सबसे मतलब के लो कॉस्ट पे ये चांद पे पहुंचे, तो इंडिया को कांग्रेस। आप कह रहे हैं लो कॉस्ट पर ये चांद पर पहुंचे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि 615 करोड़ ज़ाया कर दिया। नहीं ज़ाया नहीं किया, ये तो एक कंट्री की अचीवमेंट होती है कि वो दुनिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, दुनिया की तरक्की में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इंडिया को इस बात पे हमें शाबाशी देनी चाहिए कि एशिया में से जो कि एशियन टाइगर कहलाने वाला मुल्क है आज चांद पर भी जाकर अपने कदम जमा चुका है। रशिया, चाइना और अमेरिका के बाद चौथा ऐसा मुल्क है जिसने अपना नाम हिस्ट्री में लिखवाया। बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही है, उन्होंने प्रूव किया है कि वो एक एज अ नेशन एक बहुत यूनाइटेड कौम है और बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस कर रही हैं, और दुनिया की जो है वो फोर्थ इकॉनमी बन चुकी है, जो कि चंद साल पहले वो हमारे से बिलो स्टैंड करती थी। तो दिस इज रियली अ प्राउडफुल मोमेंट फॉर देम। अमेरिका साहब ने हम पे लगाई हैं सेक्शंस कि आप उनसे कोई तजारत नहीं कर सकते। पूरा यूरोप उनसे तेल ले रहा है,
इंडिया उससे तेल ले रहा है, हम क्यों नहीं ले सकते भाई? सवाल बनता है ना यहाँ। देखें कि पाकिस्तान सॉरी हिंदुस्तान और चाइना भी दुश्मन है मगर तिजारत वो भी कर रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमने 1947 में आज़ादी ली किससे थी, क्या हमने इंडिया से ली थी या बरतानिया से ली थी। हमारे कंट्रीज के लोगों को इतना ही नहीं पता कि हमने आज़ादी इंडिया से नहीं ली, हम दोनों हमने आज़ादी ली ही नहीं थी, हम तो वजूद में आए थे। आज़ादी वजूद में आने का मकसद ये था ना कि हम अपने खुद के फैसले खुद करें, दैट्स द फ्रीडम, आज़ादी ही होता है ना इसका मतलब। कायदे आज़म ने हमें क्या लेके दी? आज़ादी। अब अगर हमें आज़ादी लेके दी है ठीक है, तो हमने किससे ली है? हमने नफरत किससे पाल रहे हैं? हम एज ए मुस्लिम हमने उस पर इसी खित्ते के ऊपर बरेसगिर के ऊपर 1000 साल तक हमने एज ए मुस्लिम हुकूमत की है। कंपेरिजन तो पाकिस्तान और इंडिया का नहीं करना चाहिए क्योंकि वो बहुत बड़ी पॉपुलेशन और उन्होंने वो स्टेप बहुत पहले ले लिए थे जो अभी तक हम नहीं ले पाए, तो हमें वो स्टेप लेने चाहिए। अगर कंपैरिजन करना है उनसे, कॉम्पीट करना है, हमने उनसे जब भी कॉम्पीट किया है एज अ डेटरेंस, हमने डेटरेंस के तौर पे कि इंडिया जो भी आम रेस है हमने उसमें कॉम्पीट किए, ना हमने IT में कॉम्पीट किए, ना उनकी जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उनसे कॉम्पीट किया। दुनिया में जो मकाम IT में इंडिया ने हासिल किया है वो हम शायद कभी ना कर सकें। बिल्कुल सही किया कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स कहलाने वाली कंट्रीज़ हैं उसको इंडिया ने पीछे छोड़ा, जिसमें रशिया, चाइना और अमेरिका आते हैं। इनफैक्ट रशिया ने कम्पीट करने की भी कोशिश की, उनका Luna 25 भी बहुत स्पीड के साथ जा रहा था लेकिन रास्ते में क्रैश हो गया, कुछ सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में उनका मसला आया, लेकिन Chandrayaan-3 वहीं पर डटा रहा और बड़ी कह लें कि एक अच्छे तरीके से इस बार वो साउथ पोल पर पहुँचा है चाँद के, और इंडिया वाहिद वो कंट्री है जो साउथ पोल पर गई है। हाँ जी, जैसे कि रशिया ने जो है ना वो इमरजेंसी में जो है ना लाइक अगर उन जेलस हो गए जो है ना उन्होंने जल्दी जल्दी जो है ना वो अपना मिशन लॉन्च किया, तो ठीक है इसमें लड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर जिस तरह इंडिया प्रॉपर प्लानिंग के साथ और पूरी मतलब के पेपर वर्क के साथ जो है ना जिस तरह उन्होंने लैंड किया है सारा उनका है था, इसी तरह रशिया को भी इस तरह करना चाहिए था। और देखिए ना, मैं वही कह रहा हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं वो अपना जो है ना जो उन्होंने टारगेट है उसे अचीव कर लेते हैं, तो चाहे बेचने वाला चाहे हो लेकिन तरक्की कर जाएगा। यहाँ सारे एचिसन से आए, ऑक्सफोर्ड से आए लेकिन तरक्की नहीं हुई। अब हम भी चाहते हैं कोई मोदी जैसा फिर चाय बेचने वाला ही हो जाए जिसको हम देखते हैं कि बर्बरियत है, जालिम है, सारा कुछ हम देख रहे हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है। हमारी नज़र में यही कॉन्सेप्ट है कि वो जालिम है, मुसलमानों को शिवसेना या बीजेपी जो भी है वो काटती है, मारती है। ये चीज़ें तो पाकिस्तान में भी हो रही हैं, उधर भी हो रही हैं, जुल्म तो हर जगह। अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद इंडिया ने तरक्की कितनी की है। दो टेन्योर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पूरे कर चुके हैं और तीसरा उनके आने वाला है। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आने के बाद एक कंपेन स्टार्ट की मेड इन इंडिया, यानी हर चीज़ इंडिया में बनेगी और वो बाहर एक्सपोर्ट की जाएगी। अब आप देखें कि वो हर चीज़ अपने मुल्क में बना रहे हैं और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, भी बना रहे हैं। और यहाँ पे 76 साल से बना रहे हैं आवाम को, ठीक है जी, ये मेड इन पाकिस्तान है बनाना, यहाँ पे आवाम को बनाया जा रहा है। नफरत की निगाह से नहीं देख रहे आप इस बात को, क्यों नहीं समझ रहे? फिर किस निगाह से देख? देखने ही नहीं चाह रहे हम, देखने ही नहीं चाह रहे हम, क्यों क्यों कर लेते हैं हम वो अच्छा, मेरी बात सुन, हम वो कबूतर हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर। अब देखें ना आप बिल्ली कबूतर वाली बात ना करें क्योंकि देखें बिल्ली नहीं हम, मतलब कबूतर भी नहीं है हम इंसान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बात ये है कि देखें हम उनकी तरफ देख के, ये भी तो मिसाल आती है कि दूसरे का मुँह लाल देख के अपना मुँह लाल कर लो थप्पड़ मार के, ये भी नहीं मतलब उनकी कामयाबी को मुँह लाल होना कह रहे हैं। नहीं मुँह लाल सच में उनके मुँह लाल है, खुशी से आज उनके मुँह लाल है चंद्रयान को पूरा करके। लाल हो गए हैं, ठीक है हो गए हैं, हमारा मुल्क भी कम नहीं है माशाल्लाह। हमारा मुल्क जो है इंशाल्लाह मैंने आपको 10 साल के बाद जब आप मतलब थोड़ा सा देखेंगे मुल्क की हालात इंशाल्लाह ताला, ये 10 साल छोड़े 75 साल की हिस्ट्री सामने है। भाई 75 साल में हमें मुल्क ने दिया है क्या? वही लोग अगेंस्ट खड़े हैं जो पहले क्या पाकिस्तान पे खड़े हुए, अगले 10 साल में क्या वो साथ हो जाएंगे? नहीं इंशाल्लाह ताला उनका तोड़ होगा और पाकिस्तान तरक्की की राह में। मेरा सिंपल सा स्टांस है इस पे, आपने कहा कि इंडिया तरक्की कर रहा है, अगर हम आज तरक्की करना चाहते हैं तो हम वो सारी तरक्की की जो इंफॉर्मेशन है वो स्टडी है वो नॉलेज है कहाँ से लेंगे? जिन्होंने तरक्की की है, सिंपल सा वे होता है। मैं रिसर्चर हूँ, यही बात कहना चाह रही हूँ कि ओन नहीं करते हैं हम, क्यों नहीं मान? अब मैं रिसर्चर हूँ, जब मैंने रिसर्च करनी है तो मैं दुनिया के टॉप क्लास जर्नल में जाऊँगा, वहाँ से रिसर्च मैं खुद रिसर्चर हूँ। मेरे नहीं देखेंगे कि वो जर्नलिस्ट इंडिया से है, वो नेपाल, वो किस भी मुल्क से बिलोंग, किसी भी कंट्री से हो, ठीक है जिससे हमने आज़ादी ली है हम उनको तो पूछते हैं आज। मैं ये सर हिंदुस्तान से नहीं देखेंगे, अब मैं बताता हूँ सिंपल सा फार्मूला। अगर इंडिया ने आज तरक्की की है तो हमारे साथ आज़ाद हुआ है ना, अगर उसने तरक्की की है तो हमें भी करनी चाहिए। हमने ये नहीं कहना कि हम उनसे नफरत करें, हम ये कहते हैं कि अगर उसने तरक्की की है तो आपने तरक्की नहीं की तो क्या वजूहत है उस पर गौर करें। अच्छा अगर हमारे हमारे पास क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे।